वेलकम अगेन टू योर फेवरेट मैथ चैनल केडी द मैथ ट्यूबर। तो आपका एक बार फिर से स्वागत है 10th के चैप्टर नंबर 2 में। चैप्टर नंबर 1 में जैसा कि आपको पता है 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 चारों के अपन ने वीडियो आपको चारों एक्सरसाइज में करा दिए हैं, क्लियर, और सारे क्वेश्चन ए टू जेड कराए गए हैं। फिर भी कोई बच्चों प्रॉब्लम हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे ज़रूर कमेंट करके बताएं, ठीक है। यूट्यूब के आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। और जैसा आप देख रहे हैं कि डेली एक एक्सरसाइज अपनी रनिंग में है, तो जैसा कि आपको पता है टोटल आपके कोर्स में 15 चैप्टर हैं, जिसकी कि 1x1 एक्सरसाइज से अपन धीरे धीरे बढ़ेंगे और 1-2 महीने में पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले अपन सीधा चलते हैं चैप्टर पर। अब सबसे पहले ये बहुपद, ये है क्या चीज़, देखिए इसमें बच्चों होता क्या है कि आपने देखा होगा कि जो राशियाँ होती हैं, राशि का मतलब कोई मान, वो दो तरीके की होती हैं। एक तो आपकी होती है अचर और एक होती हैं चर। अचर का मतलब वे होती हैं जिनका मान कभी बदलता नहीं है। जैसे कि आप एक देखते होगे, एक का मान तो एक ही रहेगा, जीरो का मान जीरो, पाँच का मान पाँच, दस का मान दस, इस तरह, या पाई वगैरह इस तरीके की चीज़ें, ये सभी अचर में आती हैं। अब चर कौन होते हैं बेटा? चर को सामान्यतः एक्स वाई जेड इस तरीके के अक्षरों से व्यक्त करते हैं। अब इन्हें चर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो चर होते हैं इनका मान बच्चों बदलता रहता है, इनका मान बदलता रहता है, इसलिए इन्हें चर कहते हैं। अब आप कहोगे बदलता कैसे है सर? बदलता ऐसे है, जैसे मान लो कोई एग्जांपल है एक्स प्लस टू इक्वल जीरो, तो अगर मान लो प्लस टू उधर जाएगा बच्चों तो एक्स का मान क्या होगा? माइनस टू। तो चलिए ठीक है, यहाँ एक्स का मान माइनस टू आया। अब मान लो एक दूसरा समीकरण है एक्स माइनस तीन बराबर जीरो, ये प्लस का तीन जब आप उधर ले जाओगे तो आप देख रहे हो यहाँ एक्स का मान माइनस दो आया, यहाँ एक्स का मान तीन, तो ये मान बदल रहा है कि एक ही है? बदल रहा है, इसीलिए बच्चों इनको क्या कहते हैं? चर कहते हैं। और ये ध्यान रहे, चर और अचर जब एक ही साथ आ जाते हैं, जैसे मान लो ये किसी ने लिख दिया, अब इसमें एक्स भी है देखो जो चर है, और तीन पाँच सात हैं जो कि अचर हैं, तो चर और अचर एक साथ आ जाते हैं तो उसे कहते हैं बहुपद। क्या कहते हैं बेटा? बहुपद। इंग्लिश में इस बहुपद का नाम होता है पॉलीनोमियल, ठीक है, ये पॉलीनोमियल इस तरीके से। तो ये है बहुपद। और बहुपद का जो संकेत होता है, बहुपद का क्या पढ़ रहे हैं? संकेत। जो बहुपद का संकेत होता है बच्चों, ये पी ऑफ एक्स होता है। पी ऑफ एक्स, पी का मतलब बहुपद पॉलीनोमियल, और एक्स इसलिए लगा है क्योंकि इसमें अंदर चर राशि एक्स का प्रयोग हो रहा है। अगर मान लो कहीं वाई का प्रयोग हो तो वाई लिख देंगे, जैसे मान लो कहीं लिखा है 3y+7, अब यहाँ वाई का प्रयोग हो रहा है तो यहाँ पी ऑफ एक्स नहीं लिखेंगे, इस बहुपद को क्या क्या संकेत देंगे? पी ऑफ वाई, इस तरीके से। तो ये तो है बच्चों बहुपद। अब आगे एक और चीज़ समझना ध्यान से, यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब कोई बहुपद आता है बच्चों तो वहाँ उसका शून्यक भी आता है। बहुपद का शून्यक यानी जीरो ऑफ पॉलीनोमियल। अब ये बहुपद का शून्यक क्या होता है? देखिए पहली बात तो हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे मान लो कोई बहुपद है, चाहे कोई भी हुआ, जैसे मान लो ये मैंने कोई बहुपद लिख दिया, अब कोई पूछे कि इसके शून्यकों की संख्या ज्ञात करो, शून्यकों की संख्या, तो जितनी भी बहुपद पे घात होती है सबसे बड़ी घात उतने ही शून्यक होते हैं। जैसे x पे सबसे बड़ी घात कितनी है? यहाँ एक है, यहाँ दो है, यहाँ तीन है, तो सबसे बड़ी तो तीन हुई, तो इस बहुपद के शून्यक कितने होंगे? तीन। अब जैसे मान लो कोई एग्जाम्पल है पी ऑफ एक्स बराबर 3x+5, कोई कहे भाई इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी? तो बेटा इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी? देखिए यहाँ पर आप देखो x पर कितनी घात है? एक, तो एक होगी। तो यानी कितनी घात, जितनी घात होती है उतने ही शून्यक, लेकिन शून्यकों की जो संख्या है, जो बच्चों शून्यकों की संख्या है
वो दो तरीके से ज्ञात की जा सकती है, एक तो बहुपद को देखकर, और अगर बहुपद नहीं दिया हो तो बहुपद के ग्राफ से भी ज्ञात की जा सकती है, यानी शून्यकों की संख्या ग्राफ से भी ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, ग्राफ से कैसे ज्ञात करेंगे? देखो जैसे ये है ग्राफ में, आप ये तो बच्चों जानते ही होंगे कि ये जो होता है ये एक्स अक्ष होता है, एक्स अक्ष, इसे एक्स एक्स डैश से व्यक्त करते हैं। ये जो अक्ष होता है बेटा, ये वाई होता है। तो जब भी कोई बहुपद का ग्राफ जितनी बार एक्स अक्ष को काटता है, जितनी भी बार, उन्हें आप गिन लो। जैसे आप इस ग्राफ को देखो, ये एक्स अक्ष को कितनी बार काट रहा है, वाई को नहीं गिनना है, ध्यान रहे एक्स को। ये तो वाई अक्ष है, ये वाई वाई डैश, इसको कहते हैं वाई अक्ष। ठीक, हमेशा ध्यान रखना, जैसे दो अक्ष हैं ये, तो इस वाले जो सीधा अक्ष है क्षैतिज, इसको तो कहेंगे एक्स अक्ष, और इसको बच्चों क्या कहेंगे, वाई अक्ष। ठीक है ये, और आप जानते हो दोनों अक्ष जहाँ भी काटते हैं उस बिंदु को क्या कहते हैं, मूल बिंदु। ये सब चीज़ें तो आपने नाइन्थ में भी पढ़ी हैं, तो ये कोई विशेष बात नहीं है। हाँ, तो मैं बात इसकी कह रहा था कि शून्यकों की संख्या को दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो बहुपद को देख के कि सबसे बड़ी घात है उतने ही शून्यक होंगे, और मान लो कभी कभी शून्य ये बहुपद नहीं दिया होता तो उसका ग्राफ दे देता है, तो ग्राफ को देख कर कैसे करेंगे, दे देखो आप ये देखो कि एक्स अक्ष पर यहाँ ये देखो कटान बिंदु कितने हैं। कटान बिंदु का मतलब है कि एक्स अक्ष को ये ग्राफ कितनी बार काट रहा है, एक बार, ये दो, ये तीन, ये चार और ये पाँच। तो एक्स अक्ष को पाँच बार काट रहा है, यानी एक्स अक्ष पर कितने कटान बिंदु बन रहे हैं, पाँच। तो इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि अगर इस ग्राफ से हम शून्यक ज्ञात करें तो शून्यकों की संख्या कितनी आएगी, पाँच आएगी। तो बिना बहुपद को देखे भी ग्राफ से भी शून्यक निकाल सकते हैं, क्लियर ये? चलिए ठीक है। अब आप कहोगे सर ये वो तो बात ठीक है, शून्यक निकाल सकते, लेकिन शून्यक चीज़ क्या होती है? शून्यक चीज़ क्या होती है वो मैं पहले ही आपको समझा चुका हूँ। ये देखो, जब किसी बहुपद की शून्य से तुलना करते हैं तो एक्स का जो मान आता है उसी को बच्चों शून्यक कहते हैं। जैसे यहाँ एक्स प्लस दो की जब आपने जीरो से तुलना की तो एक्स का मान क्या आया, माइनस दो, वही शून्यक है। ऐसे ही जब एक्स माइनस तीन बराबर जीरो किया तो एक्स बराबर तीन आया, ये भी क्या है, शून्यक है। शून्यक का मतलब है एक्स का मान, ठीक है ये। अब चलिए सीधे चलते हैं अपन एक्सरसाइज की तरह, जो कि आपके सामने ये है। देखिए, देखो बच्चों, आपके सामने कई ग्राफ दे रखे हैं। 2.1 जो एक्सरसाइज है बेटा, ये पूरी ग्राफ की ही है, और ज्ञात क्या करना है, शून्यकों की संख्या। तो कैसे ज्ञात करेंगे, अभी उदाहरण बताया था, इसको यहाँ देखिए। यहाँ आप ये देखो, ये जो फलन है इसका ग्राफ वाई अक्ष को तो काट रहा है लेकिन एक्स को नहीं काट रहा। तो आप ये देखो कि एक्स अक्ष पर कटान बिंदु इसके कितने हैं, आप कहोगे जीरो, यानी कोई भी कटान बिंदु नहीं है, यानी एक्स को काट ही नहीं रहा। अब कोई कहे वाई को तो काट रहा है, वाई से कोई लेना देना नहीं, हमको इससे मतलब है। तो इसके शून्यकों की जो संख्या है वो भी बच्चों क्या आ जाएगी, वो भी जीरो ही आएगी। बस आप कहोगे करना क्या है सर, करना यही है, कुछ नहीं करना एक्स्ट्रा, बस शून्यकों की संख्या बतानी है ग्राफ को देखकर। चलिए इस सेकंड में आ जाओ, यहाँ आप देख रहे हो कि ये जो ग्राफ आ रहा है, ये देखो सांप की तरह ये एक्स अक्ष को एक बार काट रहा है। आप कहोगे यहाँ भी तो काट रहा है, ये तो बेटा वाई अक्ष है, इसको नहीं गिनते वाई को, है ना, एक्स को गिनते हैं। तो एक्स अक्ष पर आप ये देखो कटान बिंदु कितने हैं, कटान बिंदु एक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस ग्राफ के शून्यकों की संख्या भी बच्चों क्या होगी, एक। बस हर क्वेश्चन में बस इतना ही आंसर बताना है, कोई स्पेशल काम नहीं करना है। चलो इसमें आ जाओ, इसमें यहाँ देखो एक्स अक्ष को, यही तो है एक्स अक्ष, एक्स का मतलब सीधा, एक बार यहाँ काट रहा है, एक बार यहाँ काट रहा है, एक बार यहाँ। तो यहाँ आप ये देखिए बच्चों कि कटान बिंदु कितने हैं, एक दो तीन, तीन कटान बिंदु हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि शून्यकों की जो संख्या है वो कितनी हो जाएगी, एक दो तीन हो जाएगी, ये हो गई। ठीक ये, चलिए खैर अब चलते हैं अगले तीन क्वेश्चंस पर। देखो,
फिर से देखो, ये तो x अक्ष है और ये कौन सा अक्ष है, y, तो आपको मतलब किससे, x से। अब ये देखो x अक्ष को ये ग्राफ कितनी बार काट रहा है, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, यानी x अक्ष पर बच्चों कटान बिंदु कितने हैं, एक ये और एक ये, यानी दो हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके शून्यकों की जो संख्या है, शून्यकों की संख्या भी दो हो जाएगी। इसके कटान बिंदु गिनो बेटा, एक दो तीन चार, तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, इसके शून्यकों की संख्या हो जाएगी चार। चलो इसके कटान बिंदु बताओ, एक दो तीन। आप कहोगे ये भी तो है, ये तो बेटा वाई पर है, आपको सिर्फ एक्स अक्ष के गिनने हैं। तो इसके शून्यकों की संख्या बताइए कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी तीन।